नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एटोमी टीम वॉरियर में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी यूएसए मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। अगर आपकी टीम यूएसए में है, जैसा कि टीम वॉरियर ग्लोबल टीम हो चुकी है ऑलरेडी, हमारा जो टीम है वो 12 कंट्री को क्रॉस कर चुका है, तो यूएसए के जो मेंबर्स हैं काफ़ी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं इंडिया के मेंबर कि यूएसए के मेंबर को कैसे टीम में रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं अपने टीम के लिए और ऑल ओवर इंडिया की टीम के लिए कि अगर आपके जो मेंबर्स हैं यूएसए में हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आप कैसे कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है atomy.com USA, जैसा कि ये वेबसाइट आप देख रहे हैं। ठीक है, atomy.com/US, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में मिलेगी और ये ऑफिशियल यूएसए की वेबसाइट है। जैसा कि आप जानते हैं कि एटोमी की एक वेबसाइट से आप जो इसके 14 कंट्री में एटोमी चल रही है, एक वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आप किसी भी कंट्री के वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। जैसा कि राइट टॉप कॉर्नर में आप देख रहे हैं एक बॉक्स है इंग्लिश का, उस पर आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग कंट्री का लैंग्वेज आ जाता है वहाँ पे, तो उस पर आप जा सकते हैं। तो यूएसए मेंबरशिप के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो फर्स्ट स्टेप है एटोमी की वेबसाइट यूएसए की। जो यूएसए की वेबसाइट है उसका नाम है www.atomy.com/US, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है यूएसए का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद राइट साइड में ज्वाइन अस है और लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद आपको यूएसए ऑलरेडी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो राइट साइड में ज्वाइन अस है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में होगी इस वेबसाइट के अंदर, और जो ये यूएसए की वेबसाइट है राइट साइड में आपको यूएसए लिखा होगा ब्रैकेट में इंग्लिश टॉप कॉर्नर में। ठीक है, ज्वाइन अस पे क्लिक करते हैं तो ये स्टेप खुलता है फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ये पेज ओपन होगा तो सेंटर में ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है, और यूएसए के जो मेंबर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, 18 साल, जो कि सेंटर में आप देख सकते हैं। ठीक है, 18 ईयर्स एंड ओल्डर यूएसए रेजिडेंट्स, जो यूएसए के रेजिडेंट्स हैं 18 साल के हैं वो एटोमी में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है सेंटर में। ठीक है, जैसे ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस तरह का आएगा, मेंबरशिप एग्रीमेंट। तो राइट टॉप कॉर्नर में ऑल एग्री पे आपको क्लिक करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बॉक्स में। जैसे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सब पे जो बॉक्स है उस पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इस ऊपर वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, उसके पश्चात आप जैसे ऊपर वाले बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं तो नीचे राइट साइड में नेक्स्ट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो थर्ड पेज ओपन होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। जो भी आपके यूएसए के मेंबर्स हैं उनके पास एक मोबाइल डिवाइस होता है और वो गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई होता है, तो यहाँ पे आपको सेंटर में वो मोबाइल नंबर डालना है और राइट साइड में जो देख रहे हैं सेंटर में सेंड टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और 6 डिजिट का एक कोड आएगा उनके मोबाइल में, तो वो कोड को यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में सबमिट करना है और ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है जो वेरीफाई है, सेंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और 6 डिजिट का कोड डाल करके ऑथेंटिकेट करना है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये थर्ड पेज हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ पेज में क्या है कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी। उस कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको डालना है, लास्ट नेम डालना है, मेल और फीमेल है वो सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद एक SSN नंबर होता है उनका, यूएसए गवर्नमेंट सिटीजन, जैसे इंडिया में आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है गवर्नमेंट ID प्रूफ के लिए, वोटर कार्ड, इस तरह वहाँ पर एक SSN नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको डालना है 10 डिजिट का। ठीक है, तो वो नंबर यहाँ पर डालोगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, पासवर्ड चूज करना है, रिपीट पासवर्ड, राइट साइड में गेस्ट पासवर्ड, अगेन री एंटर गेस्ट पासवर्ड, गेस्ट पासवर्ड यहाँ पे दो बार डालना है यूएसए की वेबसाइट में। ठीक है, और गेस्ट पासवर्ड डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, 4 4 2, 10 डिजिट का, पहले वाले कॉलम में 4 फिर 4 फिर 2, और फिर एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड और ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करना है, बिल्कुल करेक्ट ऑफिशियल डिटेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये आपसे स्पॉन्सर आईडी मांगेगा, तो जितने भी यूएसए के मेंबर्स हैं उनको आपको ज्वाइन करवाना है आपकी टीम में, जिसका जो रेफरल है उस मेंबर का आईडी आपको डालना है, जिसके नीचे ये आईडी प्लेस करनी है उसका आईडी, स्पॉन्सर आईडी डालना है और सर्च करना है, फिर उसको कन्फर्म करना है, और नीचे जो सेंटर है वो यूएसए का सेंटर सेलेक्ट करना है कि भाई आपका जो कैंडिडेट है यूएसए में कौन से एरिया में और वहाँ पर एटोमी का कौन सा सेंटर है, फिर नेक्स्ट करना है, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो आईडी है
वो रजिस्ट्रेशन होने से पहले ये आपको वेरीफाई करना है स्पॉन्सर आईडी सही है कि नहीं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सब कुछ, ठीक है, जस्ट टेक इट एज ए एग्जांपल। जैसे कंफर्म हो जाएगा तो फिर सेंटर सेलेक्ट करना है आपको, यूएसए का कोई भी, उनके नियरेस्ट जो भी सेंटर पड़ता है, फिर नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसका जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है वो सारा इस तरह से एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि जो भी डिटेल आपने डाली है वो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड रजिस्ट्रेशन होकर के आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको डायरी में लिखना है, फ़ोन मेमोरी पे डिपेंड नहीं रहना, फ़ोन मेमोरी कभी भी ख़राब हो सकती है, ठीक है, सब कैंडिडेट के लिए है ये। जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड आप जनरेट करो उसको आपको लिख करके रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों एटोमी टीम वॉरियर से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इंडिया और इंटरनेशनली हर कंट्री में आपको टीम वॉरियर की सपोर्ट मिलेगी। टीम वॉरियर एक एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सक्सेस सिस्टम के अंदर आपको टीम वॉरियर की